हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एके। अगर आपको भी मिस्टीरियस प्लेस या एडवेंचर में इंटरेस्ट है तो ये फैक्ट्स आपके लिए। एशियानों की घटनाएं जिन्हें वैज्ञानिकों का भी दिमाग चकरा दिया, जो साइंस से बिल्कुल परे है। तो फिर शुरू करते हैं। क्या आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा गया है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में है। इसका रहस्य कुछ इस प्रकार है। कोई भी प्लेन या एयरक्राफ्ट के ऊपर से फ्लाई होने पर गायब हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी थेरीज है, तो इन थेरीज में से कुछ थेरीज को देख लेते हैं। पहले थेरी के हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कुछ ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है जो कि प्लेन के नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देता है। फिर प्लेन अपनी दिशा भूल जाता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्टेक्स है जो कि हमारे डायमेंशन में के ऑब्जेक्ट को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। मतलब जो प्लेन यहाँ से गायब हुए वो बल्कि अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन में है। साइंटिस्ट ने यहाँ पर बहुत रिसर्च किया और उन्हें पावरफुल मैग्नेटिक एक्टिविटी भी मिली है। बट ये होती क्यों है और आती कहाँ से, अब तक साइंटिस्ट इसका रीजन पता नहीं कर पाए। दूसरी थ्योरी थोड़ी रोचक है। साइंटिस्ट के अनुसार यहाँ पर एक एशियन सिविलाइजेशन या सिटी थी जो कि अंडर वाटर है। वहाँ पर कुछ ऐसे ह्यूमंस रहते थे जिनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी कि जो कि पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर सकती थी, और इसी फोर्स की वजह से यहाँ पर प्लेन्स और वो गायब हुए। बट साइंटिस्ट अब तक इसका रीजन पता नहीं कर पाई है। बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में एक मिस्ट्री का खजाना है जो कि आने वाले साइंटिस्ट को मोटिवेट करता रहेगा। अब बरमूडा ट्रायंगल की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं अर्थ के दरवाजे पे जाके वापस आ चुके, आप इस बात को मानोगे? नहीं तो फिर जानते हैं इसकी कहानी। धरती पर एक ऐसा गड्ढा है जिसे डोर टू हेल, दरवाजा गैस क्रैटर या नरक का दरवाजा कहा जाता है। एक जलता हुआ दरवाजा है जो कि काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में। आप इसे देख कर कहोगे क्या मैं नरक लोक पहुंच चुका हूँ, क्योंकि पूरा जलता हुआ दिखता है। आपके मन में भी एक सवाल होगा कि यह दरवाजा धरती पर आया कहाँ से। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी जब कुछ वर्कर्स ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। तभी ऐसा हुआ कि एक ड्रिलिंग रिज कोलैप्स होकर अंडरवन कारवान में गिर गई, और ये जो अंडरवन कारवान था वो नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सोर्स था, तो ड्रिल जाके नेचुरल गैस के सोर्स में गिर गई। अब हुआ क्या, यहाँ से बहुत सारी गैस रिलीज होने लगी। वहाँ का जो ओनर था उसे लगा कि सभी पॉइजनस गैस है और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, तो उसने फैसला कर लिया कि इस गैस को हम देंगे। उसके हिसाब से इस गैस को 2 से 3 दिन में जल के ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। वो गैस तब से अब तक जल रही है। अब इस नरक के दरवाजे के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। यह नरक का दरवाज़ा 70 मीटर डायमीटर और 20 मीटर डीप है। इसमें जो नेचुरल गैस है वो मीथेन है जो कंटिन्यूसली बर्न होती रहती है, जिसकी वजह से इसमें पूरी फ्लेम जैसा अपीयरेंस होता है। आपको इस दरवाजे से डरने वाली कोई बात है नहीं, ये टूरिज्म और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सोर्स है। इसकी जो कंट्री है वो इस नेचुरल गैस को बेचकर बहुत कमाती है। ये तो थी अपने दरवाजे की कहानी। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। आपने कई जादुई शो देखा होगा जिसमें जादूगर पानी में आग लगा देता है, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे भी एक नेचुरल सोर्स है जहाँ पानी में आग लगती है, तो ऐसे एक वाटरफॉल है जिसे इटर्नल फ्लेम फॉल भी कहते हैं, जो कि चेस्टनट रिज पार्क आउटसाइड बफेलो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ये जो फ्लेम्स है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। इन्हें देख कर लगता है कि हम किसी जादुई शहर में आ चुके हैं। आपका मन करेगा कि बस इन्हें देखते रहे। आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जादुई फ्लेम्स आई कहाँ से, तो आपको बता दूँ इसका रीज़न भी मीथेन गैस है जो कि एक नेचुरल गैस सोर्स है। वाटरफॉल के अपर सरफेस पर मीथेन गैस का सोर्स है। जब वाटर फ्लो होता है तभी अपने साथ मीथेन गैस को भी कैरी करता है, और वाटर के साथ साथ मीथेन गैस अब वाटर के सरफेस पे भी आ जाता है। अभी जितने भी मीथेन गैस है वो वाटरफॉल के बेस पे कलेक्ट हो चुकी है। साइंटिस्ट के हिसाब से उस समय फ्रिक्शन की वजह से इस मीथेन गैस में आग लग गई, तब से आग अब तक जल रही है। इन फ्लेम्स की खासियत क्या है? ये ऐसा अकेला वाटरफॉल है जिसमें फ्लेम्स है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि इन फ्लेम्स से किसी भी टाइप का डिसीज या इलनेस ट्रीट किया जा सकता है। तो ये थी मैजिकल फ्लेम्स की कहानी। ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमारे चैनल से कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दे।